आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दालों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले चने की स्थिति इस साल काफी खराब है। इस बार चना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के नीचे बिकता दिखाई दिया है। अब भी दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान की मंडियों में इसके भाव नहीं उठ पाए हैं। चने का MSP 5230 रुपए प्रति क्विंटल तय है, जबकि अभी किसानों को 4500 से 4800 रुपए तक का दाम मिल रहा है। सरकार को इस वर्ष किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विशाल मात्रा में चना खरीदने के लिए विवश होना पड़ा। चने की सरकारी खरीद 25 लाख टन के आसपास पहुंच गई, लेकिन फिर भी बाजार तेज नहीं हुआ, क्योंकि नाफेड अपने पिछले स्टॉक का चना अभी बाजार में उतारता दिखाई दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि चने के इस विशाल स्टॉक का वितरण गरीब वर्ग में या तो मुफ्त या अत्यंत रियायती मूल्य पर हो सकता है, जबकि कुछ मात्रा खुले बाजार में भी उतारी जा सकती है। इससे कीमतों पर दबाव बनना तय है। वैसा भी चने के भाव में समर्थन मूल्य से 10% नीचे देखने को मिले हैं। केंद्र सरकार ने इसका उत्पादन उछालकर 140 लाख टन के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान लगाया है। वहीं उद्योग व्यापार जानकारों ने चने का वास्तविक उत्पादन 95 से 105 लाख टन के बीच में आंका है। वहीं देखा जाए तो इस बार खरीफ सीजन में 105 लाख टन दलहनों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 2022-23 के संपूर्ण मार्केटिंग सीजन के लिए 295 लाख टन दलहनों के उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें चालू खरीफ सीजन का 105 लाख टन तथा आगामी रबी सीजन का 190 लाख टन का उत्पादन लक्ष्य शामिल है। सरकार ने दलहन उत्पादन हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष मूंग का समर्थन मूल्य 6.6% बढ़ाकर 1750 रुपए कर दिया गया है, जबकि तुअर और उड़द का समर्थन मूल्य 4.8% बढ़ाया गया है। वहीं 2022-23 के मार्केटिंग सीजन के दौरान देश से विदेश से कम 25 लाख टन दलहनों का आयात हो सकता है, जबकि ऊपर में उसकी मात्रा 30 लाख टन तक जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।